भरपूर ग्रीनरी मिलती है इस बालकनी में भी। आपको सामने ग्रीनरी देखने को मिल जाती है, आपकी प्रॉपर्टी के सामने ही आपको जामुन का पेड़ भी मिल जाता है दोस्तों। जैसा कि एल कॉर्नर प्रॉपर्टी है तो इसमें बालकनी की, सनलाइट की, एयर वेंटिलेशन की, ग्रीनरी की कोई कमी नहीं है। ये सारी चीज़ें आपको भरपूर मात्रा में इस प्रॉपर्टी में मिलती है दोस्तों। आप देख सकते हैं सामने मेरे मेन रोड है, मेन रोड पर ही ये प्रॉपर्टी आपको मिल जाती है। हेलो दोस्तों, मैं प्रशांत आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल RP होम्स में। नमस्कार दोस्तों। दोस्तों सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा, जिन्होंने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आने वाली नोटिफिकेशंस टाइम टाइम पे आप लोगों को मिलती रहे। दोस्तों जैसा कि आपका प्यार मुझे वीडियोज़ में मिल रहा है, आपके कॉल्स लगातार मुझे मिल रहे हैं, आपकी डिमांड पर हम प्रॉपर्टीज़ लेके आते हैं आपके लिए, आज हम आपके लिए लेके आए हैं 3 BHK। जी हाँ दोस्तों, 3 BHK CGHS प्रॉपर्टी रामा अपार्टमेंट सेक्टर 11 द्वारका। ये CGHS प्रॉपर्टी है सेक्टर 11 की, रामा अपार्टमेंट द्वारका में ये रहने वाली है दोस्तों। इस प्रॉपर्टी को स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड द्वारका में किसी भी फ्लैट, किसी प्रॉपर्टी का बिल्डर फ्लोर, प्राइवेट फ्लैट, कोई भी आपने रेनोवेशन कराना है, उस प्रॉपर्टी को एक्सटेंड कराना है, इंटीरियर का काम कराना है दोस्तों, सारी फैसिलिटीज़ आपको RP होम्स में प्रोवाइड की जाती है। और सेल परचेज के लिए आप RP होम्स में कॉल कर सकते हैं दोस्तों। अभी हम स्टार्ट करते हैं इस फ्लैट का रिव्यू। ये हम खड़े हैं ड्राइंग रूम में। अगर हम ड्राइंग रूम के साइज़ की बात करें तो काफ़ी बड़ा, ऑलमोस्ट 12x20 का ये ड्राइंग रूम आपका रहने वाला है दोस्तों। आप देख सकते हैं इस ड्राइंग रूम से ही आपके सारे बेडरूम्स की एंट्री मिलती है। आपको इसमें बड़ी बालकनी मिलती है, किचन मिलती है, ये आ जाता है आपका मेन एंट्री। जैसे ही हम मेन एंट्री से एंटर करते हैं हमारा ड्राइंग रूम आ जाता है, और ड्राइंग रूम के साथ साथ ही हमें एक बहुत बड़ी एक इसमें बालकनी देखने को मिलती है दोस्तों। मैं आपको लेके चलता हूँ बालकनी में। ये आ जाती है हमारी फर्स्ट बालकनी। इसका साइज़ काफ़ी अच्छा रहने वाला है, सामने आपको इसमें पार्क का व्यू मिलता है। ये प्रॉपर्टी एल कॉर्नर होने की वजह से इसमें ग्रीनरी की कोई कमी नहीं है, आपको व्यू में ग्रीनरी बहुत अच्छी मिलती है। ऑन रोड ये प्रॉपर्टी है, सामने इसमें मेन रोड दिखता है और बाकी अम्यूनिटीज़ इसमें साथ में आपको मिल जाती है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये आ जाता है हमारा फर्स्ट बेडरूम। जैसे ही हम बेडरूम में एंटर करते हैं हमें इस बेडरूम में भी एक बालकनी मिल जाती है दोस्तों। काफ़ी बड़ा इस बेडरूम का स्पेस रहने वाला है। इस बेडरूम में आपको एक वुडन कैबिनेट साथ में मिल जाती है। आप देख सकते हैं ये वुडन कैबिनेट इसको साथ में मिल जाती है। ये इसमें ड्रॉर्स रहेंगे अलग अलग, और वुडन का काम काफ़ी अच्छा इसमें देखने को मिल जाता है। काफ़ी स्पेशियस ये कैबिनेट आपको मिलती है इसमें। अगर हम बालकनी की बात करें, बालकनी आप देख सकते हैं इसमें एक छोटी बालकनी आपको इस बेडरूम के साथ मिल जाती है। और जैसा कि मैंने आपको ग्रीनरी की बात करी, तो इस बालकनी से भी आपका व्यू जो है वो ग्रीनरी का देखते ही बनता है दोस्तों। दोस्तों ग्रीनरी की इसमें कोई कमी नहीं है, आपको हर बालकनी में भरपूर ग्रीनरी मिलती है। इस बालकनी में भी आपको सामने ग्रीनरी देखने को मिल जाती है, आपकी प्रॉपर्टी के सामने ही आपको जामुन का पेड़ भी मिल जाता है दोस्तों, आप देख सकते हैं इसमें। ये आ जाते हैं हम अपने सेकेंड बेडरूम में। जैसे ही हम सेकेंड बेडरूम में एंटर करते हैं, एंटर करते ही हमें एक कैबिनेट यहाँ पे भी देखने को मिल जाता है LED पैनल के साथ में। एक हमें इसमें राइट हैंड साइड में विंडो मिल जाती है, एक हमें लेफ्ट हैंड साइड में विंडो मिल जाती है। इस बेडरूम में भी आपको एक बहुत बड़ी बालकनी मिल जाती है दोस्तों। मैं आपको दिखाता हूँ, काफ़ी बड़ा ये बालकनी का स्पेस रहने वाला है। ये जैसा कि एल कॉर्नर प्रॉपर्टी है तो इसमें बालकनी की, सनलाइट की, एयर वेंटिलेशन की, ग्रीनरी की कोई कमी नहीं है। ये सारी चीज़ें आपको भरपूर मात्रा में इस प्रॉपर्टी में मिलती है दोस्तों। आप देख सकते हैं सामने मेरे मेन रोड है, मेन रोड पे ही ये प्रॉपर्टी आपको मिल जाती है। इस बेडरूम के साथ आपको बालकनी तो मिल ही रही है, इस बेडरूम के साथ आपको एक अटैच वॉशरूम भी मिलता है। मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे ही हम इस तरफ एंटर करते हैं एक काफ़ी बड़ा ये हमें वॉशरूम मिल जाता है। ये जो वॉशरूम का स्पेस है काफ़ी सफिशेंट है, ये अप्रॉक्सीमेटली 6x8 का ये साइज़ रहने वाला है। इसमें भी हमें वेंटिलेशन के लिए एक विंडो यहाँ पे मिल जाती है, और इस वॉशरूम का गेट ही एक और हमें मिलता है जो कि हमारे फर्स्ट बेडरूम में भी ओपन होता है। ये ड्यूअल डोर के साथ हमें ये वॉशरूम इसमें अटैच मिल जाता है। ये स्पेस आ जाता है हमारे किचन का। किचन की अगर हम बात करें तो हमें इसमें यू शेप का किचन मिल जाता है। सामने एक वेंटिलेशन के लिए एक बहुत बड़ा विंडो मिल जाता है। ये हमारा वॉशिंग एरिया है, गीज़र इसमें लगा हुआ मिलता है आपको साथ में।
दोस्तों इस किचन में नीचे तो स्टोरेज आपको मिलता ही है, बट ऊपर जो स्टोरेज की अगर हम बात करें, आप देख सकते हैं ये ऊपर काफ़ी स्टोरेज है और एक छोटा स्टोर रूम जिसको कहते हैं, ये छोटा स्टोरेज का एरिया आपको ऊपर देखने को मिल जाता है। इसमें आप अपना जितना भी स्टोरेज है वो काफ़ी सारा स्टोरेज इसमें डंप कर सकते हैं। और इस स्टोरेज का साइज़ भी अप्रॉक्सीमेटली 12 फीट रहने वाला है, 12x3 का ये आपको पूरा स्टोरेज इसमें प्रॉपर्टी में मिल जाता है। इस प्रॉपर्टी में ड्राइंग रूम के साथ एक और आपको बालकनी मिलती है, जो कि सबसे बड़ी बालकनी मिलती है। आप देख सकते हैं ये बालकनी, हम इधर आ जाते हैं तो ये बालकनी का साइज़ भी काफ़ी बड़ा रहने वाला है। इस बालकनी से एक वॉशरूम भी अटैच है, उस वॉशरूम के साथ एक बेडरूम और अटैच है। अब इस बालकनी से भी हम व्यू की बात करें तो आप देख सकते हैं ये सामने मेन रोड है और ग्रीनरी भरपूर आपको मिलती है। सनलाइट आप देख सकते हैं, सनलाइट आपको भरपूर इस बालकनी में भी मिल जाती है। दोस्तों ये नीचे सोसाइटी का रोड है और इसके जस्ट सामने आपको प्रॉपर्टी का मेन रोड मिल जाता है, ये आप देख सकते हैं। ये आ जाता है दोस्तों हमारा थर्ड बेडरूम। हम जब थर्ड बेडरूम में एंटर करते हैं तो हमें यहाँ पे एक बहुत बड़ी एक विंडो मिल जाती है वेंटिलेशन के लिए, साथ में एक काफ़ी बड़ा वॉशरूम मिल जाता है जो वॉशरूम बालकनी से भी अटैच है। आप देख सकते हैं इसका साइज़ काफ़ी बड़ा रहने वाला है, एल टाइप का ये वॉशरूम है। इधर आपका बाथिंग एरिया आ जाता है ये सारा, और एक और इसमें आपको वेंटिलेशन के लिए इस तरफ भी आपको एक विंडो मिल जाती है। ये वॉशरूम का साइज़ सबसे बड़ा मिलता है आपको इस प्रॉपर्टी के अंदर। और इस बेडरूम में आपको एक विंडो इस तरफ भी मिल जाती है वेंटिलेशन के लिए, एक आपको वुडन कैबिनेट मिल जाता है काफ़ी बड़ा इसमें स्टोरेज के लिए। ये हमारा एक और डोर आ जाता है जो हमारा मेन एंट्री पे ओपन होता है। दोस्तों ये इस बेडरूम के साथ आपको दो दरवाजे मिल जाते हैं, एक ओपनिंग ड्राइंग रूम से होती है और एक मेन एंट्री से एंटर करते ही इसकी ओपनिंग होती है। इसको एज ए गेस्ट रूम आप इस प्रॉपर्टी में यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों ये प्रॉपर्टी आपको CGHS प्रॉपर्टी मिल जाती है, सेक्टर 11 रामा अपार्टमेंट, 3BHK की ये प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी का जो व्यू है ये L कॉर्नर प्रॉपर्टी होने की वजह से आपको इसमें भरपूर व्यू मिलता है, ग्रीनरी मिलती है, सामने आपको सेक्टर 12 की मार्केट मिलती है, सेक्टर 11 की मार्केट मिलती है, मेन रोड पे ये प्रॉपर्टी आपको मिल जाती है। दोस्तों इस प्रॉपर्टी की डिटेल्स जानने के लिए, इस प्रॉपर्टी को विजिट करने के लिए आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं और अपने यूट्यूब चैनल RP होम्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं प्रशांत आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूँ RP होम्स में। नमस्कार दोस्तों।